जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हाई फाई स्टडी में। दोस्तों, घातांक करने का आज हमारा अगला क्लास है। देखिए, इस क्लास में हम एक बेहतरीन टाइप के क्वेश्चंस को बनाना सीखेंगे, जो क्वेश्चंस एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो पहला क्वेश्चंस क्या कहा गया, देखिए, रूट अंदर छ उसके रूट अंदर में छ और उसके रूट अंदर में छ ये डैश 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 इनफाइनाइट तक जाता है। तो इसको पहचानने का क्या नियम है वो जरा देखिए, पहचानते कैसे है कि एक ही को संख्या रूट के अंदर रिपीट होते जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। आज जब इनफाइनाइट तक जाएगा ना, तो इस केस में आपको क्या करना है वो जरा देख लीजिए। इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो इनफाइनाइट तक जाएगा तो सीधा बात है, इसमें से एगो को पकड़ लीजिए, इसमें से एगो को पकड़ लीजिए, यानी छ है तो छवे को पकड़िए। और जो संख्या रहेगा, पांच रहेगा, चार रहेगा, तीन रहे, जो रहे उसको पकड़ना है, यानी छ है तो सीधा इसका आंसर क्या हो जाएगा, छ हो जाएगा। अगर रूट के अंदर एक ही को संख्या, जो संख्या रिपीट हो रहा है बार बार और इनफाइनाइट तक जाता है, इसमें इनफाइनाइट तक जा रहा है, देखिए तो इनफाइनाइट तक जाएगा, तो उसमें से हम जो संख्या रहेगा उसको निकाल लेंगे, वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो इनफाइनाइट तक जाएगा वो वाली बात है, इसमें देखिए एक ही को संख्या रूट के अंदर रिपीट हो रहा है लेकिन इनफाइनाइट तक नहीं गया है, ये लिमिट रह गया है। ये क्या हुआ है, ये लिमिट रह गया है। तो लिमिट रह जाता है तो क्या करते हैं, पहले जो संख्या दिया गया उसको लिख लेते हैं और उसको ब्रैकेट चढ़ा लेते हैं, ठीक है, ब्रैकेट लगा दिए। रूट में रिपीट हुआ, क्या करना है, रूट से एगो को संख्या को पकड़ के ले आना है, और इनफाइनाइट तक नहीं गया है, तो नहीं गया तो कह तक गया है, गिनिए, एक दो तीन चार पांच तक गया है, ठीक है, पांच तक गया है। तो इस केस में आपको एगो छोटा सा क्या काम करना है, अब यहाँ जो रूट होता है, रूट में कितना छिपा हुआ था, दो छिपा होता है, तो दो के पावर आप क्या करना है, पांच करना है, दो के पावर पांच कर दीजिए, तो दो के पावर पांच कितना हो जाएगा, बत्तीस हो जाएगा, दो के पावर पांच बत्तीस हो जाएगा, ठीक है, तो बत्तीस हो गया। और उसके बाद एक काम करना यहाँ ये है कि इसके नीचे में बत्तीस लिखना है, ठीक है, बटा के नीचे में बत्तीस लिखना है, और ऊपर में बत्तीस से एक कम लिखना है, एक कम मतलब कितना कम लिखेंगे, इकतीस लिख देंगे। तो ये हो गया आपका फाइनली आंसर। क्या करना है, सीधा बात कि रिपीट नहीं हो रहा, देखिए इसमें जो है इनफाइनाइट तक गया था, इसमें रिपीट होते जा रहा था इसमें, लेकिन इसमें रिपीट नहीं हुआ था, मतलब इसमें क्या है कि एक टाइम के बाद ये जो है रिपीट होना बंद हो गया है, पांच बार, एक दो तीन चार पांच बार गया था। तो जो संख्या रिपीट होता है उस संख्या को यहाँ लिख देते हैं, उसके बाद दो के पावर हमेशा चढ़ाएंगे, अगर चार बार रिपीट होता दो के पावर चार रखते, जैसे कि आपको यहाँ चार दे देता, यहाँ देखिए एक क्वेश्चन छोटा सा बता देते हैं, अगर आपको तीन दे देता रूट अंदर तीन और इसी के रूट अंदर तीन दे देता, इसी के रूट अंदर तीन दे देता, इतना ही तक आपको देता, इसका वैल्यू आपसे पूछ लेता, तो आप क्या कीजिएगा, पहले तो तीन निकाल लीजिएगा, उसके बाद तीन कई बार गया, तो तीन दो बार गया, तो हम क्या करेंगे, दो के पावर तीन चढ़ा देंगे, दो के पावर तीन मतलब कितना हो जाएगा आठ, तो बटा में क्या हो जाएगा आठ, और ऊपर में आठ से एक कम मतलब सात, तो तीन के पावर सात बटा आठ इसका आंसर हो जाता। तो इस तरह से हम बनाते हैं क्वेश्चन को। चलिए, यह हो गया, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन क्या कहा गया, देखिए, सात 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 डैश 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 और ये जो है इनफाइनाइट तक गया है, और बराबर 343 के पावर y माइनस वन है, तो y का वैल्यू पूछ लिया गया है। तो रूट अंदर सात रिपीट होके इनफाइनाइट तक जाता है, तो एक ही को संख्या रूट के अंदर इनफाइनाइट तक जाता है, तो इसमें से हमारा आंसर क्या होता है, सीधा है, उस चीज को जो संख्या रिपीट होता है उसको बाहर निकाल लेते हैं रूट से। बराबर इधर कितना दिया गया, 343 दिया गया है, 343 के पावर y माइनस वन दिया गया है, सात के पावर कुछ ना तो वन कर सकते, 343 के बदले क्या लिख सकते हैं, सात के पावर तीन, यहाँ से हो जाएगा आपका y माइनस का वन। अब देखिए सात के पावर, ये पावर के ऊपर पावर है, ब्रैकेट लिखा हुआ है, तो पावर में पावर क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, तो सात हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, तीन वाई या माइनस का तीन हो जाएगा। अब जब बेस बराबर होता है तो पावर पावर भी बराबर होता है, मतलब वन बराबर कितना हो जाएगा, तीन वाई या माइनस का तीन। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, तीन को इधर भेज दीजिएगा, तो तीन वाई बराबर क्या हो जाएगा, तीन एक चार हो जाएगा, यानी यहाँ से वाई बराबर कितना हो जाएगा, चार बटा का तीन हो जाएगा। तो इस तरह से वाई का वैल्यू हम निकाल लिए है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ, जो अगले टाइप का क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। सो अब इसमें देखिए रूट अंदर छ प्लस रूट अंदर छ प्लस रूट अंदर छ और प्लस इनफाइनाइट तक गया है। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन में थोड़ा सा का अंतर है, ये गुना में था मतलब प्लस माइनस इसमें नहीं था, और इसमें प्लस है, वैल्यू वही है, खाली प्लस उसमें लगा दिया गया है। जब प्लस लगा देना तो इसमें से एगो को पकड़ लीजिए और उसको दो भाग में तोड़ लीजिए, छ को लगातार दो को संख्या में तोड़ना है, जिसको गुना करने पर छ आ जाए, कहेगा कि एगो तीन हो जाएगा और एगो क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा, एगो तीन हो जाएगा, एगो दो हो जाएगा। अब क्या करना है,
अगर प्लस का चिन्ह है तो आपका बड़का वाला आंसर हो गया, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, तीन हो जाएगा। प्लस वाला है तो बड़का आंसर होगा, माइनस वाला रहेगा तो छोटका आंसर होगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पांच नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया देखिए, 12 माइनस रूट अंदर 12 इनफाइनाइट तक गया है। दोनों क्वेश्चन में केवल माइनस का अंतर है, पर वैल्यू देखिए इसमें 12 है उसमें 6 था, ऐसे माइनस लगा हुआ है। क्या करेंगे हम, 12 को 2 को ऐसा लगातार वाला में तोड़ेंगे जगह गुना करने पर 12 आ जाए, तो एक को 4 हो जाएगा, एक को कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 तिहाई का 12। तो माइनस जब लगा रहे तो हमारा छोटका वाला आंसर हो जाता है, माइनस लगा हुआ रहे तो छोटका वाला आंसर हो जाता है, ठीक है। तो ऊपर और नीचे चार और पांच नंबर में हम क्या देख लिए कि तो दो भाग में टूट जाता था, लगातार वाला दो भाग में टूट जाता था, लेकिन नीचे 6 नंबर है ये लगातार दो भाग में टूटा ही नहीं रहा, लगातार वाला में 3 को 2 ऐसा पार्टी में तोड़ेंगे कि दोनों को गुणा करने पर 3 आ जाए, तो एगो 1 लेंगे एगो 3 लेंगे, लेकिन यहाँ बोले हैं कि लगातार वाला होना, जैसे देखिए 3 आ जैसे 2 आ 3 है, 2 आ 3 है कोई दिक्कत नहीं है, 3 आ 4 है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक लगातार है कि नहीं, यानी अंतर 1 का होना चाहिए, लगातार कहिए चाहे अंतर 1 का होना चाहिए। तो इसमें तोड़ेंगे तो एगो 1 आएगा एगो 3 आएगा, तो 1 और 3 के बीच अंतर 2 का हो जाता है, तो उसे नहीं होगा। तो जब न टूटे ना, जब यहाँ पर या लगातार न टूटे तो क्या करना है वो देखिए, आपको आंसर जो लिखना है ये 3 है ना, तो आंसर लिखना है 2 से बड़ा एवं 3 से छोटा, 2 से बड़ा एवं 3 से छोटा। क्या लिखना है आपको आंसर कि 2 से बड़ा एवं 3 से छोटा, इसी में आपको रह जाता है कि रूट अंदर एक और प्लस का लगा दीजिए रूट अंदर 1 और प्लस डैश 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 इनफाइनाइट तक। तो इसका आप क्या जवाब देते, इसका जवाब देते कि 0 से बड़ा और 1 से छोटा, 0 से बड़ा और 1 से छोटा, इसमें आपका होता है कि 0 से बड़ा और 1 से छोटा रहता है कि रूट अंदर पांच प्लस रूट अंदर पांच इनफाइनाइट तक। तो 5 को तो दो लगातार वाला में नहीं तोड़ सकते हैं, तो आपका आंसर होता है 4 से बड़ा एवं 5 से छोटा, ठीक है। तो इस तरह टाइप के क्वेश्चंस को आप बना लीजिएगा आसानी से। केवल क्या ध्यान में रखना है, ये इनफाइनाइट वाला ध्यान में रखना है, ये जाके लिमिट हो गया है, आएगो प्लस माइनस वाला आपको सीखना है, दो तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन आप बना लीजिएगा। तो फिलहाल मिलते हैं अगले क्लास में। हाँ, मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।